So in this lecture of genetics, we will study about DNA repair. So DNA repair के अलग अलग पाथवे होते हैं. Like we have methyl directed mismatch repair, methyl directed mismatch repair. We have your nucleotide excision repair. Nucleotide excision repair. We have your base excision repair. Base excision repair. We have your direct repair. We have your recombinational DNA repair. And one we have SOS response. SOS response. ठीक है, तो ये हम अलग अलग टाइप के आपके रिपेयर सिस्टम्स पढ़ेंगे. ठीक है, क्योंकि अलग अलग टाइप के जो चेंजेस होते हैं डीएनए में, उसमें अलग अलग टाइप के रिपेयर सिस्टम काम करते हैं. तो सबसे पहले जो रिपेयर सिस्टम हम पढ़ेंगे, दैट इज मिथाइल डायरेक्टेड मिसमैच रिपेयर. मिथाइल डायरेक्टेड मिसमैच रिपेयर. मिसमैच रिपेयर. ठीक है, तो जैसे मान लो, मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं, मान लो आपके पास एक डीएनए है. ठीक है, जैसे ए है, जैसे ये आपके पास डीएनए, और यहाँ पे सामने क्या है, सी है. ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या, कैसे पता लगेगा कि कौन सा स्टैंड ठीक है, कौन सा गलत है? जैसे अगर यहाँ पर ए है, तो सामने टी होना चाहिए था, अगर मैं इस स्टैंड को ठीक मानता हूँ तो. लेकिन अगर मैं इस स्टैंड को ठीक मानता हूँ, तो सी के सामने जी होना चाहिए था. ठीक है ना, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि पहला स्टैंड गलत है या दूसरा गलत है. ठीक है, तो हमें कैसे पता लगता है कि कौन सा स्टैंड आपका ठीक है? ठीक है, बेसिकली क्या होता है, जो सा स्टैंड ठीक होता है उसकी ना मिथाइलेशन हो जाती है. जैसे यहाँ पर मिथाइल ग्रुप लग गए. ठीक है, तो मिथाइलेशन से क्या होता है, हमें पता लग जाता है कि ये वाला स्टैंड जो है ये आपका ठीक है. ठीक है, सो जो सेल के अंदर द सेल्स मिथाइल डायरेक्टेड मिसमैच रिपेयर सिस्टम, मिसमैच रिपेयर सिस्टम एफिशिएंटली रिपेयर्स efficiently repairs mismatches of 2000 base pair of 2000 base pair away from a हैमी मिथाइलेटेड जी ए टी सी सीक्वेंस. हैमी मिथाइलेटेड जी ए टी सी सीक्वेंस. ठीक है, मतलब जो जी ए टी सी सीक्वेंस है उसकी क्या होती है, आपकी मिथाइलेशन. ठीक है, सो जी ए टी सी में जो एडेनिन है, इसकी क्या हो जाती है, हैमी मिथाइलेशन. ठीक है, मतलब जो सा स्टैंड ठीक है उसमें आपको क्या मिलेगी, उसमें मिथाइलेशन हो रखी होगी. ठीक है, सो जैसे मान लो आपके पास कोई भी डीएनए है. ठीक है, जैसे मान लो मैंने ये शो करा, तो यहाँ पर आपका जो चेंज है या जिस साइड को हमें रिपेयर करना है, तो जैसे यहाँ पर मिथाइलेशन हो रखी है. ठीक है, CH3 CH3. ठीक है, मतलब जिस स्टैंड की मिथाइलेशन होगी, एक तरह से वो स्टैंड आपका क्या है, ठीक है. ठीक है, मतलब इसमें इंफॉर्मेशन ठीक है, इस वाले में इंफॉर्मेशन जो है उसे हमें चेंज करना है. ठीक, तो जैसे अगर मैं, जैसे अगर इसको हम शो करें, तो यहाँ पर अलग अलग प्रोटीन्स ही होते हैं. जैसे एक होता है म्यूट एल,
म्यूटेस एंड म्यूटेच, ये तीन हमें प्रोटीन चाहिए होते हैं, ठीक है। तो जैसे ये हमने दिखा दिया, यहाँ पर म्यूटेशन है, ठीक है। सो दिस इज आई हैव शोन की ये वाला स्टैंड आपका करेक्ट है, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले म्यूट एस प्लस म्यूटेल, म्यूट एस एंड म्यूटेल, और यहां पर एटीपी कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, एडीपी प्लस फॉस्फेट के अंदर, ठीक है। तो एक तरह से यहां पर आपका म्यूटेस और म्यूटेल ये कॉम्प्लेक्स जाके लग जाता है कहां पर, जहां पर आपका, जहां पर मिस्टेक है जिसको आपने ठीक करना है, ठीक है। तो वहां पर क्या लग जाता है आपका, म्यूटेल म्यूटेस कॉम्प्लेक्स, म्यूटेल एंड म्यूटेस कॉम्प्लेक्स, ठीक है। उसके बाद आता आपका म्यूटेच, ठीक है। उसके बाद क्या आता है आपका म्यूटेच, और यहां पर भी हमें एटीपी चाहिए होता है जो कन्वर्ट हो जाता है एडीपी प्लस फॉस्फेट में, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा आपका कि जो म्यूटेच होता है वो आपके अनमिथाइलेटेड स्टैंड को क्लीव कर देता है। जैसे ये था आपके पास, जो मिथाइलेटेड है वो तो ऐसे रहेगा, जो अनमिथाइलेटेड स्टैंड है उसको उसने क्या कर दिया, क्लीव, ठीक है। सो म्यूटेच क्लीव्स द अनमिथाइलेटेड स्टैंड, अनमिथाइलेटेड स्ट्रैंड, अनमिथाइलेटेड स्ट्रैंड, जो म्यूटेच होता है वो अनमिथाइलेटेड स्ट्रैंड को क्लीव कर देता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली उसके बाद बेसिकली क्या होता है कि ना, इतना पार्ट है जिसमें आपका मिस्टेक है, जैसे कोई भी एक्सोन्यूक्लियस आएगा, ठीक है, अलग अलग टाइप के एक्सोन्यूक्लियस होते हैं जो फिर यहाँ से डीएनए को कट कर देंगे, ठीक है। तो ऑब्वियसली जोन से साइट में आपकी म्यूटेशन थी, मतलब वो वाला पार्ट आपका रिमूव हो गया, ठीक है। और उसके बाद ऑब्वियसली यू नीड डीएनए पॉलीमरेज, तो डीएनए पॉलीमरेज फिर क्या करेगा आपका, इसको दोबारा से यहाँ पर, क्योंकि उसको, उसके पास सामने टेम्पलेट और फ्री थ्री प्राइम ओएच ग्रुप है, तो इससे आपका जो रिपेयर है वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। सो इसको हम क्या बोलते हैं आपका, मिथाइल डायरेक्टेड मिसमैच रिपेयर, ठीक है। तो मिथाइल डायरेक्टेड मिसमैच रिपेयर में हमें बेसिकली क्या होता है कि दोनों में से एक स्टैंड जो बेसिकली जो आपका ठीक है उसकी क्या हो जाती है, मिथाइलेशन हो जाती है, और उसकी मिथाइलेशन से बेसिकली क्या होता है फिर आपका कि जिसमें इंफॉर्मेशन ठीक है, मिथाइल ग्रुप से हमें पता लग जाता है कि ये वाला सीक्वेंस ठीक है, सामने वाले को हमें ठीक करना है, ठीक है। सो म्यूटेल म्यूटेस और म्यूटेच, म्यूटेल और म्यूटेस लग जाते हैं जहां पर भी आपकी म्यूटेशन है। म्यूटेच क्या करता है, अनमिथाइलेटेड स्टैंड को क्लीव कर देता है, उसके बाद एक्सोन्यूक्लियस एक पार्ट को रिमूव करता है, और उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज उसको बना देता है आपका, ठीक है। दूसरा जो रिपेयर सिस्टम हम पढ़ेंगे, दैट इज बेस एक्सीशन रिपेयर। सेकेंड रिपेयर सिस्टम वी हैव, दैट इज बेस एक्सीशन रिपेयर, बेस एक्सीशन रिपेयर। तो जो बेस एक्सीशन रिपेयर है, जैसे इसमें हमें क्या क्या चाहिए होता है, इसमें जैसे हमें एक तो चाहिए होता है डीएनए ग्लाइकोसाइलेजेस, डीएनए ग्लाइकोसाइलेजेस, ठीक है। इसमें हमें एक चाहिए होता है एपी एंडोन्यूक्लियस, एपी एंडोन्यूक्लियस, एक हमें चाहिए होता है डीएनए पॉलीमरेज वन, एंड वी हैव रिक्वायरमेंट ऑफ डीएनए लाइगेस, एंड डीएनए लाइगेस। तो ये चारों एंजाइम हमें कहां पे चाहिए होते हैं आपके, बेस एक्सीशन रिपेयर में, ठीक है। एक्चुअली ये रिपेयर सिस्टम कहाँ पे काम करता है, जहां पर आपके वी हैव सम एबनॉर्मल बेसिस, जैसे नॉर्मली डीएनए में यूरेसिल नहीं होता, तो मे बी अगर कहीं पर यूरेसिल है, जैसे डीएमिनेशन से यूरेसिल बन जाता है, ठीक है,
जो साइटोसिन होता है ना, साइटोसिन की डीएमिनेशन से यूरेसिल बनता है। जैसे कहीं पर साइटोसिन है, उसकी डीएमिनेशन होगी तो क्या बन जाता है? यूरेसिल। कैडेनिन की डीएमिनेशन से हाइपोजैंथिन बनता है। डीएमिनेशन से हाइपोजैंथिन। ग्वानिन की डीएमिनेशन से आपका जैंथिन बनता है। आपका जैंथिन बनता है, ठीक है। तो कहीं पर जैसे आप नॉर्मल बेसिस होते हैं, जैसे यूरेसिल हो गया जो किससे बना? डीएमिनेशन ऑफ साइटोसिन से, ठीक है। एडेनिन की डीएमिनेशन से क्या बनता है? हाइपोजैंथिन। और ग्वानिन की डीएमिनेशन से क्या बनता है? आपका जैंथिन। अब नॉर्मल बेसिस हो गए, एल्काइलेटेड बेसिस हो गए, एल्काइलेटेड बेसिस, एंड इन सम ऑर्गेनिजम्स पिरिमिडिन डाइमर्स। पिरिमिडिन का मतलब लाइक थायमिन, थायमिन डाइमर, पिरिमिडिन डाइमर्स, कि थायमिन थायमिन का जहां पे डाइमर बन जाता है, ठीक है। तो जब इस टाइप के बेसिकली एल्काइलेटेड बेसिस हो गए, एबनॉर्मल हो गए, पिरिमिडिन डाइमर हो गए, तो वहां पर ये सिस्टम एक्ट करता है, ठीक है। तो जैसे अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊं, जैसे यूरेसिल डीएनए ग्लाइकोसाइलेज, जैसे ग्लाइकोसाइलेज अलग अलग होते हैं, जैसे मान लो मैंने लिखा यूरेसिल डीएनए ग्लाइकोसाइलेज, ठीक है। तो ये किसको रिमूव करता है? आपके इट रिमूव्स यूरेसिल। ये किसको रिमूव करता है? यूरेसिल को, ठीक है। अगर मान लो किसी के अंदर यूरेसिल डीएनए ग्लाइकोसाइलेज नहीं है, तो वहां पर GC2AT म्यूटेशन हो जाती है, GC2AT म्यूटेशन, ठीक है। वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे होती है GC2 क्या हो जाती है, AT म्यूटेशन, ठीक है। जैसे मान लो आपके पास एक डीएनए है, जैसे ये जी है, उसके सामने सी है, ये नॉर्मल है, ठीक है। अब मान लो साइटोसिन की डीएमिनेशन होगी, डीएमिनेशन ऑफ साइटोसिन, उससे क्या हो गया? सी की जगह यू हो गया, डीएमिनेशन ऑफ साइटोसिन, उससे आपका जी के सामने क्या हो गया? आपका यू, क्योंकि साइटोसिन की डीएमिनेशन से क्या बनता है? आपका यूरेसिल। तो जी के सामने क्या हो गया? यू, ठीक है। अब जब इस डीएनए की रेप्लिकेशन होगी, तो जी के सामने क्या आता है? आपका सी आया, लेकिन जहां पे यू था उसके सामने क्या गया? ए। अब जब इस डीएनए की रेप्लिकेशन होगी, तो जहां पर ए है उसके सामने क्या जाएगा? आपका टी, ठीक है। अब हुआ क्या है, जहां पर ओरिजिनली आपका जीसी था, ठीक है, वहां पर क्या हो गया? एटी, मतलब जी की जगह ए आ गया। तो होता है ना, प्यूरिन की जगह प्यूरिन आया, पिरिमिडिन की जगह पिरिमिडिन। तो ये क्या जाता है? आपका बेसिकली आपका GC2AT म्यूटेशन, ठीक है, अगर जिसके अंदर यूरेसिल डीएनए ग्लाइकोसाइलेज नहीं है, ठीक है। एक खास बात ये होती है कि ये जो यूरेसिल डीएनए ग्लाइकोसाइलेज है, ये यूरेसिल को आरएनए से रिमूव नहीं करता और थायमिन को डीएनए से, ठीक है। जो हमने कहा ना कि यूरेसिल डीएनए ग्लाइकोसाइलेज, ये सिर्फ यूरेसिल को रिमूव करता है डीएनए में से। सो यूरेसिल डीएनए ग्लाइकोसाइलेज डज नॉट रिमूव यूरेसिल रेसिड्यूज, डज नॉट रिमूव यूरेसिल रेसिड्यूज फ्रॉम आरएनए और थायमिन रेसिड्यूज फ्रॉम डीएनए, थायमिन रेसिड्यूज फ्रॉम डीएनए, फ्रॉम डीएनए। इट कैन नॉट रिमूव यूरेसिल फ्रॉम आरएनए एंड थायमिन फ्रॉम डीएनए। अब इसकी रिपेयर ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल सिंपल रिपेयर है कि सिंपली यूरेसिल रिमूव हो जाता है, ठीक है। तो देखते हैं इसमें कैसे ये सिस्टम एक्ट करता है। सो द रिपेयर इज नॉट मेड बाय बाय सिंपली इंसर्टिंग ए न्यू बेस, सिंपली
inserting a new base and reforming the N-glycosyl bond. Reforming the N-glycosyl bond. N-glycosyl bond. ठीक है, जैसे मान लो आपका यहां पर जैसे जैसे मैंने आपको बताया कि यहां पर ए है, ए के सामने या जैसे यहां पर आपका जी है, सॉरी, तो जी के सामने साइटोसिंगल डिएमिनेशन से क्या आ गया, यूरेसिल। जैसे यहां पर जी है तो सामने वैसे सी होना चाहिए था बट यू हो गया। ठीक है, तो एज वी नो होता क्या है, ऑब्वियसली यहां पर वी हैव ए बैकबोन ऑफ शुगर एंड फॉस्फेट और ये आपका यूरेसिल लगा हुआ है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता कि यूरेसिल को हटा के उसकी जगह सी लगा देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर जो ग्लाइकोसाइलेज है, ठीक है, वो बेसिकली क्या करता है आपका यहाँ पर इसको रिमूव कर देगा, जो जैसे हम किसकी बात करते हैं, यूरेसिल डीएनए ग्लाइकोसाइलेज की, यूरेसिल डीएनए ग्लाइकोसाइलेज की। ठीक है, उसने इस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो ये जो साइट है, क्योंकि यू नहीं है तो इस साइट को बोलते हैं एपी साइट, दैट इज ए प्यूरिनिक और ए पिरिमिडिनिक साइट, ए प्यूरिनिक और ए पिरिमिडिनिक साइट, डिनिक साइट। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि जैसे मान लो जी के सामने ये साइट रहेगी जहां से यूरेसिल रिमूव हो गया, तो एपी एंडोन्यूक्लियस वो इतने पार्ट को रिमूव कर देगा। ठीक है ना, जिसमें एपी साइट है। ठीक है, सो वी हैव एपी एंडोन्यूक्लियस, भले ये नहीं कि सिंपली यू हटा उसकी जगह सी लग जाता है, तो एपी एंडोन्यूक्लियस क्या करेगा, आपका एक पार्ट जो है उसको रिमूव कर देगा। ठीक है, तो यू आर लेफ्ट विद दिस। ठीक है, इसके बाद डीएनए पॉलीमरेज वन। ठीक है, और सामने टेम्पलेट है, फ्री थ्री प्राइम ओएच ग्रुप है, तो डीएनए पॉलीमरेज वन इसको क्या कर देगा, इसकी रेप्लिकेशन। तो जी के सामने जैसे क्या आ गया आपका सी। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज वन चाहिए, और लास्ट में आपको डीएनए लाइगेस जो क्या करता है, आपके जो भी निक है उसको सील कर देगा। ठीक है, इट सील्स द रिमेनिंग निक, इट सील्स द रिमेनिंग निक, रिमेनिंग निक। ठीक है, तो ये हमने क्या पढ़ा, आपका बेस एक्सिशन रिपेयर। इसके अलावा जैसे जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया में सिर्फ वन टाइप ऑफ डीएनए ग्लाइकोसाइलेज होता है, इन बैक्टीरिया देर इज ओनली वन टाइप ऑफ डीएनए ग्लाइकोसाइलेज, देर इज ओनली वन टाइप ऑफ डीएनए ग्लाइकोसाइलेज, लेकिन ह्यूमंस के अंदर वी हैव four types of DNA glycosylases. In humans, there are four types of DNA glycosylases. Types of DNA glycosylases. So next repair system jo hamare paas hai, that is your न्यूक्लियोटाइड एक्सीशन रिपेयर। ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड एक्सीशन रिपेयर के बारे में देखते हैं, न्यूक्लियोटाइड एक्सीशन रिपेयर। एक्सीशन रिपेयर ठीक है, सो डीएनए लीजन्स that cause large distortions, large distortions in the helical structure of DNA,
हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए आर जनरली रिपेयर्ड बाय द न्यूक्लियोटाइड एक्सीशन रिपेयर prepared by the nucleotide excision repair excision repair ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड एक्सीशन रिपेयर में आपका मैंने क्या बताया कि जहां पर लार्ज डिस्टॉर्शंस, ठीक है, जैसे यहां पर भी हम अगर बात करें जो पिरिमिडिन डाइमर्स है, जो पिरिमिडिन डाइमर्स को रिपेयर करने के लिए कौन सा होता है आपका न्यूक्लियोटाइड एक्सीशन रिपेयर पिरिमिडिन डाइमर्स। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हमें क्या क्या चाहिए होते हैं, एक तो एबीसी एक्सी न्यूक्लियस, एबीसी एक्सी न्यूक्लियस, वन वी हैव रिक्वायरमेंट ऑफ डीएनए पॉलीमरेज वन एंड डीएनए लाइगेज, डीएनए पॉलीमरेज वन एंड डीएनए लाइगेज, ये तीनों हमें चाहिए होते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर यहाँ पर देखें तो एबीसी एक्सोन्यूक्लियस जो है बेसिकली इसमें एक यूबीआर ए होता है, एक यूबीआर बी और एक यूबीआर सी, यूबीआर सी। ठीक है, जो ए टू बी है, ए टू बी बाइंड्स टू द साइट ऑफ लीजन, binds to the site of lesion, ठीक है। उसके बाद UVRA dimer then dissociates, dimer then dissociates, leaving a leaving a tight UVRB DNA complex, DNA complex. UVRC protein then binds to UVRB comma makes an incision. ठीक है, UVRC फिर आगे लगता है और फिर वो क्या करता है आपका इंसीजन करता है। ठीक है, तो जैसे अगर मैं आपको यहाँ पर शो करूं कि पहले ए टू बी ने लगना है, फिर आपका जो ए टू डायमंड डिसोसिएट हो जाता है और उसके बाद बी लगा रहता है और सी उसके बाद आगे लगता है। ठीक है, जैसे मान लो ये आपके पास ये एक लीजन है, कोई भी हो सकते हैं, जैसे थायमिन थायमिन डाइमर बताया मैंने आपको, सो दिस इज ए डीएनए लीजन। तो यहां पर जैसे वी हैव योर इकोलाई एक्सी न्यूक्लियस, and we have human axi nucleus, ठीक है। अब जैसे यहां पर axi nucleus कट करेगा तो जो बैक्टीरिया होता है उसमें 13 न्यूक्लियोटाइड्स रिमूव होते हैं, 13 मर, और यूकैरियोट्स में या ह्यूमंस के अंदर 29 मर। तो जो जितना भी सीक्वेंस रिमूव होता है जिसमें डीएनए लीजन होती है वो 13 मर होता है बैक्टीरिया में, 29 मर होता है आपका ह्यूमंस में। ठीक, तो उसके बाद जैसे बेसिकली आपका दिस इज OH एंड दिस इज फॉस्फेट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर भी जो डीएनए पॉलीमरेज वन आएगा और फिर आपका डीएनए लाइगेज, ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज वन और आपका डीएनए लाइगेज हमें चाहिए
और फिर उससे डीएनए आपका क्या हो जाएगा, ऐसे ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। तो एक तरह से बेसिकली आपका रिपेयर, जो बेस एक्सीशन, सॉरी जो आपका न्यूक्लियोटाइड एक्सीशन रिपेयर है, यहाँ पर आपको यूवीआर एबीसीजी होता है। पहले ए टू बी जाके लगता है, यूवीआर ए के दो होते हैं और बी का एक, ए टू बी जाके लगता है एट द साइट ऑफ लीजन। डाइमर फिर डिसोसिएट होता है, बी लगा रहता है, उसके बाद यूवीआर सी आके लगता है और फिर वो क्या करता है आपका इनसीजन, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली योर न्यूक्लियोटाइड एक्सीशन रिपेयर, ठीक है। तो अभी तक हमने तीन टाइप के रिपेयर सिस्टम पढ़े, तो उसमें जैसे एक हमने पढ़ा आपका मिथाइल डायरेक्टेड मिसमैच रिपेयर, बेस एक्सीशन रिपेयर एंड न्यूक्लियोटाइड एक्सीशन रिपेयर, ठीक है। नेक्स्ट जो हमने पढ़ना है दैट इज योर डायरेक्ट रिपेयर। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे डायरेक्ट रिपेयर, कि डायरेक्ट रिपेयर में क्या क्या होता है। सो डायरेक्ट रिपेयर में सबसे पहले जो हम बात करेंगे दैट इज डीएनए फोटोलाइजिस। डीएनए फोटोलाइजिस, सो दैट पिरिमिडिन डाइमर्स, पिरिमिडिन डाइमर्स जहां पर होते हैं वहां पे एक्ट करता है। ऐसे एक होता है O6 मिथाइल ग्वानिन, डीएनए मिथाइल ट्रांसफरेज, O6 मिथाइल ग्वानिन डीएनए मिथाइल ट्रांसफरेज, ट्रांसफरेज ये वहां पे काम करता है जहां पर आपका O6 मिथाइल ग्वानिन होता है, O6 मिथाइल ग्वानिन। ऐसे एक और प्रोटीन होता है AIKB प्रोटीन, ये कहां पे एक्ट करता है, जहां पर आपका 1 मिथाइल ग्वानिन और आपका 3 मिथाइल साइटोसिन होता है, 3 मिथाइल साइटोसिन। तो इसमें जैसे हम डीएनए फोटोलाइज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो डीएनए फोटोलाइजिस हो गए, एक होता है O6 मिथाइल ग्वानिन डीएनए मिथाइल ट्रांसफरेज, ठीक है। तो ये डायरेक्ट रिपेयर सिस्टम होते हैं आपके, ठीक है। तो जैसे अगर मैं यहाँ पर सबसे पहले बात करूँ डीएनए फोटोलाइजिस की, ठीक है, ये डीएनए फोटोलाइजिस ह्यूमंस में नहीं होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे दैट इज ऑफ डीएनए फोटोलाइजिस, so they are not present in humans, DNA photolysis, so not present in humans, present in humans, in humans, ठीक है। so the pyrimidine dimers result from a pyrimidine dimers result from a UV induced reaction, UV induced reaction, comma, and photolysis use energy derived from absorbed light to reverse the damage, absorbed light to reverse the damage, रिवर्स द डैमेज, ठीक है। मतलब जो यूवी इंड्यूस रिएक्शन में आपके पिरिमिडिन डाइमर बनते हैं, तो फोटोलाइजिस यूज एनर्जी डिराइव फ्रॉम एब्जॉर्ब लाइट, ठीक है। जैसे कहीं पर भी थायमिन डाइमर बना, ठीक है, तो ये डायरेक्ट रिपेयर है कि डीएनए जो फोटोलाइज है वो इसको डायरेक्टली इस डाइमर को ब्रेक कर देंगे, डीएनए फोटोलाइजिस, वो आपका
सो दिस इज डायरेक्टरी देयर. ठीक है, ऐसे जैसे हम यहाँ पे बात करें ओ सिक्स मिथाइल ग्वानिन ट्रांसफरेज की, ओ सिक्स मिथाइल ग्वानिन ट्रांसफरेज, जैसे अगर कहीं पर ग्वानिन की मिथाइलेशन हो जाती है, ठीक है, तो वो आपका टी के साथ पेयर करता है. जैसे नॉर्मली तो जी है, उसने किसके साथ पेयर करना है, सी के साथ. ठीक है, लेकिन अगर ग्वानिन के ऊपर सिक्स पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लग गया तो वो आपका किसके साथ पेयर करता है, टी के साथ. ठीक है, सो इट टेंड्स टू पेयर विद थायमिन, जो मिथाइलेटेड वाली फॉर्म है, इट टेंड्स टू पेयर विद थायमिन rather than cytosine during replication and therefore causes GC to AT mutation. AT mutation, ठीक है? लेकिन ये जो एंजाइम है ओ सिक्स मिथाइल ग्वानिन डीएनए मिथाइल ट्रांसफरेज, ठीक है, जैसे यहां पर मैंने आपको बताया कि जो आपका ग्वानिन है उसमें मिथाइल ग्रुप लग गया, तो जो यहां पर एक एंजाइम है दैट इज ओ सिक्स मिथाइल ग्वानिन डीएनए मिथाइल ट्रांसफरेज, डीएनए मिथाइल ट्रांसफरेज, तो वो मिथाइल ग्रुप को रिमूव कर देता है. ठीक है, तो ऑब्वियसली आपका जी रह गया और फिर ऑब्वियसली सामने तो सी था. तो यहां पर जो ये एंजाइम है जिसको हम क्या बोलते हैं, आपका ओ सिक्स मिथाइल ग्वानिन मिथाइल ट्रांसफरेज, ठीक है, तो ये जो एंजाइम होता है ये बेसिकली आपका रिपेयर सिस्टम है, इसका रोल है. ठीक है, तो ये डायरेक्ट रिपेयर है, ठीक है ना, तो इसमें ऐसा नहीं है कि कुछ बाहर से, जैसे पहले वाले रिपेयर सिस्टम हम पढ़ रहे थे कि जिसमें आपका एक पार्ट ऑफ डीएनए रिमूव होता है, ठीक है, और उसके बाद फिर डीएनए पॉलीमरेज आते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट रिपेयर हो रहा है. ठीक है, इस एंजाइम को जो है एक खास पता है, इसको हम सुसाइड एंजाइम बोलते हैं. ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, सुसाइड एंजाइम. ठीक है, क्योंकि ये एंजाइम क्या करता है, जो मिथाइल ग्रुप था आपका डीएनए का उसको ले लेता है. ठीक है, तो ऑब्वियसली जब मिथाइल ग्रुप ले लिया, सो दिस एंजाइम इज बेसिकली इनएक्टिवेटेड, ये इनएक्टिवेट हो जाता है. ठीक है, तो इसलिए इसने इसका मिथाइल ग्रुप खुद ले लिया, जो ग्वानिन पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ था वो आपका एंजाइम ने ले लिया. ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आपका सुसाइड एंजाइम. ठीक है, और क्योंकि ये दोबारा आपका रीजनरेट नहीं हो सकता, ठीक है, द एक्टिव एंजाइम, द एक्टिव एंजाइम इज नॉट रीजनरेटेड, इज नॉट रीजनरेटेड आफ्टर इट इज एल्काइलेटेड, after it is alkylated, after it is alkylated. और जो मिथाइल रिसेप्टर होता है वो होता है आपका सिस्टीन, द मिथाइल रिसेप्टर रेजिड्यू इन द प्रोटीन इज ए सिस्टीन. Protein is a cysteine. ठीक है, तो this is your direct repair. जैसे मान लो कई बार अगर आपका जो DNA है, जैसे मान लो ये situation है,
जैसे ये आपका सिचुएशन है, एक तो ये सिचुएशन जैसे यहाँ पर एक लीजन है, ठीक है, तो ऑब्वियसली आपकी एप्लीकेशन चल रही है बट वो यहाँ पे मे भी होल्ड हो जाएगी, ठीक है। और कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि अनरिपेयर्ड ब्रेक है, कि सामने आपका टेम्पलेट ही नहीं है। जैसे मान लो चलिए ये एप्लीकेशन चल रही है बट यहाँ पर आपका क्या है, अनरिपेयर्ड ब्रेक, यहाँ पर डीएनए ही नहीं है, तो ऑब्वियसली उस केस में जो एप्लीकेशन है वो आपकी वहां पे रुक जाएगी, अनरिपेयर्ड ब्रेक, ठीक है। तो जो आपकी ये सिचुएशन होती है, यहां पर आपका रिकॉम्बिनेशनल डीएनए रिपेयर, रिकॉम्बिनेशनल डीएनए रिपेयर, और वी हैव एरर प्रोन रिपेयर और एरर प्रोन रिपेयर। लेकिन जहां पर अनरिपेयर्ड ब्रेक है वहां पर आपका क्या, जनरली से हम क्या कह सकते हैं, डबल स्टैंड ब्रेक, क्योंकि यहां पर एक तरह से ब्रेक है, डबल स्टैंड ब्रेक, डबल स्टैंड में आपका ब्रेक है, तो उस केस में आपका रिकॉम्बिनेशनल डीएनए रिपेयर, रिकॉम्बिनेशनल डीएनए रिपेयर। तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे दैट विल बी योर एरर प्रोन रिपेयर, या जिसे हम क्या बोलते हैं, एसओएस रिस्पांस, कि वो क्या होता है, एरर प्रोन रिपेयर और एसओएस रिस्पांस, रिपेयर और एसओएस रिस्पांस। तो ये देखते हैं कि एरर प्रोन रिपेयर या एसओएस रिस्पांस क्या होता है, ठीक है। सो जब भले ये रिपेयर सिस्टम तब काम करता है जब मतलब बहुत ज्यादा म्यूटेशंस हो चुकी हैं, कि जो सेल है बेसिकली वो बेसिकली इतने ज्यादा म्यूटेशन है कि वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। बट अगर ये रिपेयर सिस्टम में भी कुछ म्यूटेशंस को ठीक कर देते, क्योंकि इसमें सारी म्यूटेशन ठीक नहीं होती बट अगर कुछ ठीक हो जाते हैं तो फिर वो आपका सर्वाइव कर पाता है, ठीक है। सो व्हेन लीजन्स आर अनयूजली न्यूमरस, व्हेन लीजन्स आर unusually numerous, comma, error prone repair involves a DNA polymerase 5, involves a DNA polymerase 5 in bracket encoded by UMUC and UMUD, UMUC and UMUD that can replicate comma inaccurately over many type of lesions, over many type of lesions, many type of lesions, ठीक है। सो जहां पर बहुत सारे lesions होते हैं वहां पर ये repair system आपका act करता है, ठीक है। So when this pathway is active, when this pathway is active, is active, comma, DNA repair becomes significantly less accurate, becomes significantly less accurate and a high mutation rate can result, and a high mutation rate can result, can result, ठीक है। तो ये एक तरह से
लास्ट रिजोर्ट होता है, ठीक है, कि ये एक तरह से कि इसने अगर ठीक कर दिया तो ठीक है, अदरवाइज फिर आपका सेल क्या होगा, वो उसकी डेथ ही होगी, ठीक है। सो इन बैक्टीरिया एरर प्रोन ट्रांसलेशन डीएनए सिंथेसिस इज पार्ट ऑफ सेलुलर स्ट्रेस रिस्पॉन्स, टू एक्सटेंसिव डीएनए डैमेज, known as SOS response, the SOS response is a global response to DNA damage in which the cell cycle is arrested, and DNA repair and mutagenesis are induced. इसे मतलब सेल साइकिल अरेस्ट हो जाती है और फिर आपका डीएनए क्या होता है, रिपेयर। तो यहां पर जो प्रोटीन इन्वॉल्व होता है, सो द सिस्टम इन्वॉल्व्स अ रैके प्रोटीन, जो कि जनरली रिकॉम्बिनेशनल डीएनए रिपेयर में भी हमें चाहिए होता है। द सिस्टम इन्वॉल्व्स द रैक ए प्रोटीन कॉमा स्टिमुलेटेड बाय सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, इज इन्वॉल्व्ड इन द इनएक्टिवेशन ऑफ लैक्से रिप्रेसर, जब लैक्से रिप्रेसर एक्टिव होता है तभी सिस्टम काम नहीं करता, बट जब लैक्से आपका इनएक्टिवेट हो जाता है तो आपका जो ये रिपेयर सिस्टम है SOS रिस्पॉन्स, ठीक है। तो यहाँ पर खास बात है, एक डीएनए पॉलीमरेज 5 जी होता है, ये लास्ट रिजोर्ट होता है, ठीक है। ट्रांसलेशन डीएनए सिंथेसिस इस सिस्टम इंड्यूस्ड एज ए लास्ट रिजोर्ट, कि जब अगर ये सिस्टम आपका बेसिकली अगर इसने ठीक नहीं करा, ठीक है, तो ये सिस्टम बेसिकली काम ही तब करता है जब म्यूटेशंस बहुत ज्यादा हो जाती हैं, ठीक है। तो इसलिए ये इनएक्यूरेट भी होता है कि चलो कुछ कुछ म्यूटेशंस को तो ये ठीक कर देता है बट सबको नहीं कर पाता, मतलब इतना ठीक कर देता है कि सेल सर्वाइव कर पाए, ठीक है। अदरवाइज बेसिकली आपका ये जो अगर ये नहीं ठीक कर पाया तो आपका सेल सर्वाइव नहीं करेगा और अल्टीमेटली सेल की क्या हो जाएगी, आपकी डेथ, ठीक है। सो इसको हम क्या बोलते हैं, आपका SOS रिस्पॉन्स, ठीक है। अब कई बार जैसे जो रिकॉम्बिनेशनल डीएनए रिपेयर है, ठीक है, जैसे रिकॉम्बिनेशनल डीएनए रिपेयर में क्या होता है आपका, क्योंकि हमें पता है कि हमारे अंदर होमोलोगस क्रोमोसोम है, रिकॉम्बिनेशनल डीएनए रिपेयर में देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो रिकॉम्बिनेशनल डीएनए रिपेयर में क्या होता है, जैसे मान लो ये आपके पास एक है, ये एक नॉर्मल वाला क्रोमोसोम है और एक मान लो जिसमें निक है, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसमें क्या होता है कि जो ये अगर आपका ठीक है तो इसको देख के ये आपका बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन, कि सामने वाले जो क्रोमोसोम को देख के, ठीक है, इसमें कुछ आपके इंटरमीडिएट्स ही बनते हैं, हॉलीडे इंटरमीडिएट्स वगैरह, तो वो सब इसमें होता है।
तो होमोलोगस क्रोमोसोम को देख के, जिसे हम क्या बोलते हैं आपका होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन, होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन दैट इज रिकॉम्बिनेशनल डीएनए रिपेयर, कि सामने वाले क्रोमोसोम को देख के एक तरह से रिपेयर होता है, क्योंकि हमारे अंदर होमोलोगस होते हैं, अगर एक में प्रॉब्लम है तो सामने वाले को देख के रिपेयर सिस्टम आपका एक्ट करता है। ऐसे एक और टर्म होती है, उसको बोलते हैं हम नॉन होमोलोगस एंड ज्वाइनिंग, नॉन होमोलोगस एंड ज्वाइनिंग। नॉन होमोलोगस एंड ज्वाइनिंग में क्या होता है, जैसे मान लो आपके सामने आपके पास अब ये है कि दोनों ही स्टैंड में ब्रेक है, ये भी स्टैंड में ब्रेक है, इसमें भी, तो इसमें क्या होगा, ये ऐसे ही ज्वाइन कर जाएंगे, ठीक है, मतलब जो बीच वाला पार्ट है वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली इस टाइप के अंदर कुछ आपके जीन्स या कुछ भी पार्ट है वो डिलीट हो जाता है नॉन होमोलोगस एंड ज्वाइनिंग की, जो कट है तो बेसिकली जहां पर आपका ब्रेक है तो जो एंड्स हैं वो आपस में ज्वाइन कर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको मान लो 3' है, यहाँ पे 5' है, इधर भी 3' है, इधर भी 5' है, जो भी है, या इधर 3-5 है तो उधर 5-3, जो भी है, तो आपस में ये आपके ज्वाइन हो जाते हैं, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, नॉन होमोलोगस एंड ज्वाइनिंग। बट इसमें क्या होगा कि जो पार्ट मिसिंग है फिर वो आपका वहां से डिलीट हो जाएगा, ठीक है, मतलब वो पार्ट वहां पे नहीं होगा, तो उस पार्ट में जो भी जीन्स हैं वो आपकी क्या हो जाएंगी, डिलीट हो जाएंगी, ठीक है। ये हमारा होता है नॉन होमोलोगस एंड ज्वाइनिंग, ठीक है। इसके अलावा जैसे मैं आपको एक एक सिस्टम बताऊंगा जिसको बोलते हैं क्री लॉक्सपी सिस्टम, ठीक है, इसको हम रिकॉम्बिनेशन के लिए यूज करते हैं, क्री लॉक्सपी सिस्टम, ठीक है, कि क्री लॉक्सपी सिस्टम क्या होता है, इसको हम कहां पे यूज करते हैं आपका, क्री लॉक्सपी सिस्टम इन रिकॉम्बिनेशन। जैसे अगर आपको कहीं पर इन्वर्जन करनी है कि जो क्रोमोसोम का ऑर्डर है उसको इन्वर्ट करना है, या कोई पार्ट डिलीट करना है, या आपको ट्रांसलोकेशन करानी है, तो वहां पर कौन सा सिस्टम होता है आपका, क्री लॉक्सपी सिस्टम, ठीक है। तो जैसे मान लो आपके पास यहाँ पर, जैसे मैं जस्ट शो करूंगी ए बी सी डी है, ठीक है, तो जो लॉक्सपी साइट्स हैं उनकी, लॉक्सपी प्रोटीन होता है, इसकी ओरिएंटेशन डिसाइड करती है कि इस सीक्वेंस का क्या होगा, ठीक है। जैसे मान लो अगर ये आपकी ऐसे लगी अपोजिट साइड में, कि एक एक डायरेक्शन में दूसरी दूसरी डायरेक्शन में, तो उस केस में क्या होगा आपका, इन्वर्जन। ये जो सीक्वेंस है जो आपका ए बी सी डी है, ये क्या हो जाएगा आपका, डी सी डी है, ठीक है। तो अगर लॉक्सपी साइड अगर दे आर टूवर्ड्स ईच अदर, तो उस केस में क्या होता है आपका, इन्वर्जन, क्या होता है आपका, इन्वर्जन, ठीक है। ऐसे मान लो आपके पास ए बी सी डी है और ये आपका सेम डायरेक्शन में लग गई, ये दोनों की ओरिएंटेशन क्या है, सेम डायरेक्शन में है, तो उस केस में क्या होता है आपका, डिलीशन, ये पार्ट ही डिलीट हो जाएगा, ठीक है। ये सारी लॉक्सपी साइट्स हैं, लॉक्सपी साइट्स की ओरिएंटेशन डिसाइड करते हैं कि क्री ने क्या करना है, क्री से रिकॉम्बिनेज, क्री क्या होता है आपका, रिकॉम्बिनेज। तो ये जैसे हम अलग अलग जो सिस्टम्स होते हैं ना, कि हमें किसी चीज को डिलीट करना है या किसी को हमने इन्वर्ट करना है, ऐसे ही ट्रांसलोकेशन में क्या होता है, जैसे एक क्रोमोसोम है एक वहां पे लगा और दूसरा दूसरे में लगा, उस केस में आपकी क्या होती है, ट्रांसलोकेशन। तो कई बार ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि वो आपको ऐसे बना के देंगे कि आपको लॉक्सपी की ओरिएंटेशन देखनी है, अगर दे आर टुवर्ड्स ईच अदर दैट विल लीड टू इन्वर्जन, दे आर ऑन द सेम साइड दैट विल लीड टू डिलीशन, और अगर डिफरेंट क्रोमोसोम्स पे है तो फिर आपकी ट्रांसलोकेशन, ठीक है। सो ये हमने अलग अलग टाइप के रिपेयर सिस्टम्स, और मैंने आपको क्री लॉक्सपी के बारे में बताया। तो सबसे पहले मिथाइल डायरेक्टेड मिसमैच रिपेयर बताया कि कैसे इसमें पता लगता है कि कौन सा स्टैंड ठीक है कौन सा गलत है, मिथाइलेशन होने से पता लग जाता है कि ये स्टैंड में इंफॉर्मेशन ठीक है और सामने वाले में आपने जो गलत इंफॉर्मेशन है उसको ठीक करना है। म्यूटाइल, म्यूटेक्स, म्यूटैच यहाँ पर जी होते हैं। बेस एक्सेशन रिपेयर में डीएनए ग्लाइकोसाइलेज, एपी एंडोन्यूक्लीज, डीएनए पॉलीमरेज 1 और डीएनए लाइगेज। सो इट इज नॉट सिंपली कि बेस को हटा के वहां पर नया बेस लगा दिया जाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ए पर्टिकुलर बेस इज मूव्ड, देन ए पार्ट ऑफ द डीएनए इज रिमूव्ड, एंड आफ्टर दैट पॉलीमरेज 1 एंड लाइगेज विल वर्क।
न्यूक्लियर डायटेक्सेशन रिपेयर में एबीसी एक्सोन्यूक्लियस डीएनए पॉलीमरेज वन और डीएनए लाइगेज और यूवीआर एबीसी, ये बेसिकली एबीसी एक्सोन्यूक्लियस तीन इसका बना होता है, ए टू बी बाइंड करते हैं साइट ऑफ लीजन पे, फिर डायमर डिसोसिएट हो जाता है, फिर यूवीआर बी डीएनए का कॉम्प्लेक्स रह जाता है, फिर यूवीआर सी इनसीजन करता है आपका, ठीक है। इसके अलावा जैसे एक्सिशन रिपेयर में 13 मर रिमूव होता है बैक्टीरिया में, 29 मर रिमूव होता है यूकेरियोट्स में, डायरेक्ट रिपेयर में डीएनए फोटोलाइजिस, O6 मिथाइल गुआनिन, डीएनए मिथाइल ट्रांसफरेज, एएकी भी प्रोटीन एच ही होता है। डीएनए फोटोलाइजिस दे आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमंस, तो जो पिरिमिडिन डाइमर बनते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ यूवी इंड्यूस्ड रिएक्शन एंड फोटोलाइजिस यूज एनर्जी डिराइव्ड फ्रॉम एब्जॉर्ब लाइट टू रिवर्स द डैमेज, ठीक है। तो O6 मिथाइल गुआनिन ट्रांसफरेज की भी हमने बात करी कि कैसे मिथाइल ग्रुप रिमूव हो जाता है, सो इट टेंड्स टू पेयर विद थायमिन रादर देन साइटोसिन ड्यूरिंग रेप्लिकेशन, तो उसको हम सोसाइड एंजाइम बोलते हैं क्योंकि ये खुद मिथाइल ग्रुप को ले लेता है जो ग्वानिन पे लगा हुआ है, इससे एंजाइम आपका इनएक्टिवेट हो जाता है और ये दोबारा नहीं रीजनरेट हो पाता तभी, क्योंकि वैसे ये ठीक है बट मिथाइलेशन होने से इस एंजाइम बेसिकली ये इनएक्टिवेट हो गया, इसने अपनी सुसाइड कर ली। फिर हमने देखा कि कई बार लीजेंस इस टाइप की कि जब रेप्लिकेशन चल रही है तो फोक आपकी वहां पर स्टॉप होगी या जो पॉलीमरेज है वो स्टॉप हो गया, कहीं पर आपका ब्रेक है, अनरिपेयर्ड ब्रेक है, डबल स्टैंडर्ड ब्रेक है, तो मैंने आपको एरर प्रोन रिपेयर के बारे में बताया। तो ये रिपेयर सिस्टम तब काम करता है जब म्यूटेशंस बहुत ज्यादा हैं, चेंजेस डीएनए बहुत ज्यादा हो चुके हैं, तो यहाँ पर हमें एक पॉलीमरेज भी डीएनए पॉलीमरेज 5, सो दे कैन आस्क समथिंग लाइक दिस कि डीएनए पॉलीमरेज 5 कौन से रिपेयर सिस्टम में होता है, सो एरर प्रोन रिपेयर, सो इट इज द सिस्टम इंड्यूस्ड एज ए लास्ट रिजॉर्ट, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टम इंड्यूस्ड एज ए लास्ट रिजॉर्ट, कि अगर इसने ठीक कर दिया तो ठीक है, अदरवाइज आपका जो सेल है वो नहीं सर्वाइव कर पाएगा, सिस्टम इंड्यूस्ड एज ए लास्ट रिजॉर्ट। और नॉन होमोलोगस एंड जॉइनिंग मैंने आपको बताया, होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन में वो सामने वाले क्रोमोजोम को देख के अपने डीएनए को रिपेयर करता है, और ये क्री लॉक्स पे सिस्टम, सो दिस इज सिस्टम जस्ट टू कोज रिकॉम्बिनेशन, क्री रिकॉम्बिनेशन करता है और लॉक्स पे साइड्स की ओरिएंटेशन ये डिसाइड करती है कि उसको इन्वर्जन करना है, डिलीशन करना है, आपका ट्रांसलोकेशन।